अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आईसीसी रैंकिंग्स अपडेट हुई हैं, जिसमें बड़ी ही हैरान कुन अपडेट हुई है। बिकॉज बाबर आजम की जो रैंकिंग है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ही इज़ ऑन टॉप, और उनकी जो रैंकिंग पॉइंट्स थे उसमें 5 पॉइंट्स का इजाफा किया गया है बिकॉज ऑफ फिनोमिनल इनिंग अगेंस्ट नेपाल। 151 रन की जो उन्होंने इनिंग खेली थी, इसके लिए उन्हें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। और भारत के शुभमन गिल जो नंबर 5 पोजीशन पे विराजमान थे, वो मूव अप हो गए हैं नंबर 3 पोजीशन पे, जबकि फ़खर जमान जो कि टॉप 5 में रैंक कर रहे थे वो नंबर 7 पोजीशन पे ड्रॉप हो चुके हैं, और नंबर 4 पे इमामुल हक साहब विराजमान हैं। तो जो शुभमन गिल को जो उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट 67 रन की इनिंग खेली थी, उसके लिए उन्हें 18 पॉइंट्स दिए गए। और ये जो कैलकुलेशन है आईसीसी की, ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, इन द सेंस ऑफ के बाबर आजम और शुभमन गिल दोनों के रन्स, अगर है कि हम अपोजिशन के हवाले से बात करें तो दोनों के रन्स नेपाल के अगेंस्ट आए थे, और वही अपोजिशन बाबर आजम की थी, वही अपोजिशन शुभमन गिल की थी। बाबर आजम ने 151 रन स्कोर किए थे और बहुत ही इम्प्रेसिव उनका स्ट्राइक रेट भी था। और जो शुभमन गिल हैं, उन्होंने जस्ट 67 रन स्कोर किए थे। खैर, उनकी इनिंग भी बहुत अच्छी थी, बट उसके लिए 18 पॉइंट्स किस लिए दिए गए हैं, आई डोंट थिंक। और ये जस्टिफाई भी आई डोंट थिंक करते हैं, बिकॉज बाबर आजम जब बैटिंग के लिए आए तो पाकिस्तान टीम है कि मुश्किलात का शिकार थी। 22 या 25 पे 2 विकेट्स आउट हैं कि गिर चुकी थी पाकिस्तान की, तो है कि सिचुएशन के हिसाब से भी देखें कि बाबर आजम ने मुश्किल सिचुएशन में बैटिंग की, जबकि शुभमन गिल एज एन ओपनर आए थे और उनके साथ जो रोहित शर्मा थे उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं था। और अगर हो भी खैर तो रन्स भी तो देखें तो बाबर के ज़्यादा हैं, 151 रन्स हैं बाबर आजम के, और 67 रन वाले को आप 18 पॉइंट्स दे रहे हो जबकि बाबर आजम को जस्ट 5 पॉइंट्स। मुझे तो इसका कोई रीज़न समझ नहीं आता। अगर अपोजिशन के हिसाब से भी बात करें तो वही अपोजिशन थी नेपाल की, और कंडीशन के हवाले से बात करें तो कंडीशन भी मोर ऑर लेस सेम थी, और बाबर आजम के तो रन भी ज़्यादा थे, बाबर आजम का तो स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा था, तो फिर उन्हें क्यों 18 पॉइंट्स नहीं दिए गए। एंड आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है, बट ये एक तरह की है कि मुझे बात बहुत वियर्ड लगी कि 76 या 67 जो भी रन उन्होंने स्कोर किए उसके लिए आपने 18 पॉइंट्स दे दिए। पता नहीं क्या आईसीसी के जो के अंदर जो इन्फ्लुएंस भी है बीसीसीआई का, वो भी हम सबके सामने ही है, तो आई डोंट नो क्या फैक्टर इसके पीछे कार फरमा है। आपके इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो खैर ये बात बहुत ही अजीब लग रही है कि आप 76 रन की इनिंग के लिए आप 18 पॉइंट्स दे रहे हो एक बैटर को, और पता नहीं क्यों किस लिए दिए जा रहे हैं। और वहीं उसी जगह एक बैटर ने 151 रन स्कोर किए तो आप उसको जस्ट 5 पॉइंट्स दे रहे हो। आई डोंट थिंक इसके बारे में क्या, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है, और अगर कोई लॉजिक ऐसी है या अगर कोई फैक्ट ऐसा है जो कि मेरी नज़र से पोशीदा है और आपको मालूम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।